हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 2021 में जो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली डिवाइस है जो कि 2021 में आप लेना कंसिडर कर सकते हैं, वो है iPhone 7 Plus। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों और किस तरह से ये 2021 में सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, क्यों यहाँ पर ये 2021 में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज, आपको मैं iPhone 7 इन 2021 हमें बाय करना चाहिए या iPhone 7 Plus बाय करना चाहिए, तो इस चीज़ को कवर करेंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप नहीं मिस करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस कर दिए तो आप थोड़ी सी गलती कर जाएंगे कि iPhone 7 लें, 7 Plus लें या फिर इससे अपर मॉडल्स लें, अगर आप सेकेंड हैंड iPhone की बात कर रहे हैं। अगर आप न्यू iPhone बाय करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आप एक सेकंड हैंड बायर हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है iPhone 7 Plus। ये मैंने 2021 में क्यों बाय किया जबकि मेरे पास iPhone X भी था। तो चलो गाइस, इस वीडियो को पहले की तरह फिर से बोलूँगा, शुरू करते हैं। यहाँ पर जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट्स हम कवर करेंगे इसकी ओवरऑल डिज़ाइन से कि ये जो डिज़ाइन है ये आप 2022 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को कुछ नहीं हुआ है, सबसे बेहतरीन, काफ़ी स्लीक, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी प्रीमियम फ़ोन लगता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं iPhones की बैटरी प्रॉब्लम की। आपको पता है अगर आप iPhone 6 यूज़र हैं, 6S, 6 Plus नहीं बोलूँगा, 7 के यूज़र भी हैं, 8 के यूज़र भी हैं, तो इनकी बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन गाइस, ये जो है एक प्लस मॉडल है और इसकी बैटरी जो है 3000 mAh की है। इसका कहने का मतलब, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज करते हैं लेकिन गेमिंग को छोड़ के, तो ये आपकी बैटरी iPhone 7 Plus की पूरा दिन निकाल देगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सुबह का चार्ज करेंगे, नॉर्मल यूजेज करते 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 आप रात को चार्जिंग पे सेट करेंगे तो भी आपको ये iPhone 23, 24 पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज, अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। हाँ, डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा आप ये iPhone थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डिस्प्ले में। जस्ट इसकी नॉच वाली डिस्प्ले कह सकते हैं, आजकल चल रही हैं फुल व्यू डिस्प्ले, सॉरी गाइज, आजकल चल रही हैं फुल व्यू डिस्प्ले, तो इस कारण ये डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, लेकिन चलाने वाले चलाते हैं, काफ़ी प्रीमियम लगता है। बाकी नंबर पे मैं इसे आईफोन एक्स से ज़्यादा बढ़िया मैं इसे क्यों समझता हूँ। सबसे नंबर पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन एक्स की जो बैटरी है वो मेरे ख्याल से 2700 mAh की है, और इसकी जो बैटरी है 3000 mAh की है। थोड़ी सी बैटरी आईफोन 7 Plus की आईफोन 10 से बड़ी है, और ये जो डिवाइस है ये iPhone 7 Plus iPhone 10 से भी साइज़ में भी बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ कंपैरिजन अगर हम लेके चलें, आप देख सकते हैं इतना बड़ा iPhone 7 Plus, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से 2-3 inch ना 1 inch बड़ा है पूरा। और देख सकते हैं इसकी जो डिस्प्ले है, हमें 5.5 inch की डिस्प्ले मिलती है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली कि 2021 में ये क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी गाइज, आजकल जो है पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं, अगर वो ना हो तो हमारा डिवाइस जो है वो कंपैटिबल नहीं लगता, वो थोड़ा सा ओल्ड एज पुराना आईफोन लगता है। जैसे आईफोन 6S की बात करें तो उसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं है, लेकिन अगर 7 Plus की बात करें, A1 पोर्ट्रेट शॉट्स देता है, बेस्ट पोर्ट्रेट शॉट, आईफोन 10 से भी मैं इसे इम्प्रूव्ड कहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसके डुअल कैमरा है, जिसके कारण सबसे पहला हमें मिलता है प्राइमरी कैमरा, सेकंड नंबर पे मिलता है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस क्या होता है? टेलीफोटो लेंस वो चीज़ है जिसमें हमें 2x ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस ऑप्शन को 2x को दबाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा। ये जूम वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो जूम है वो डिजिटल जूम नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कट नहीं होगी, फोटो फटेगी नहीं, डिजिटल जूम नहीं है ये, एक तरह से टेलीफोटो, एक लेंस ही दूसरा डाला हुआ है जो कि जूम करके देता है, वो फोटो नहीं फटेगी, पिक्सल्स कट नहीं होंगे। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी जो है टच आईडी, स्पीड जो भी है, इसकी परफॉर्मेंस अभी तक टॉप नॉच है। जस्ट आप फिंगर रखेंगे और आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। वैसे मैंने रेस्ट फिंगर टू अनलॉक बंद किया है इसलिए अनलॉक हो गया है, बस मुझे अब होम बटन दबाना बाकी है। और डिज़ाइनिंग की बात करें, स्पीकर्स क्वालिटी की बात करें, ये पहला आईफोन था जब एप्पल वालों ने स्टीरियो स्पीकर्स दिए थे। दोस्तों इसकी स्पीकर क्वालिटी, दोनों स्पीकर से आपकी आवाज़ निकलेगी। अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे आ रहे हैं जिनके सिर्फ सिंगल स्पीकर से आवाज़ निकल रही है 2021 में भी, लेकिन ये एक ऐसा आईफोन है जो कि कितने 4-5 साल हो गए हैं, फिर भी अभी इसके मेरे स्पीकर में स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं स्पीकर की बात करूँ,
ऊपर वाले स्पीकर से भी आवाज़ आएगी, नीचे वाले स्पीकर से भी आवाज़ आएगी। बैटरी की बात करें, बैटरी जो है ऑलमोस्ट आपकी ढाई घंटे में चार्ज हो जाएगी अगर आप ठीक ठाक छोटा सा चार्जर यूज़ करते हैं। अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो एक से डेढ़ घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और लास्ट में अगर हम बात करें इसके विंग एंगल्स, डिस्प्ले वगैरह या फिर कह सकते हैं ऑडियो क्लैरिटी, वॉइस क्लैरिटी कैसी है, सेल्फी कैमरा कैसा है, एप्पल की चीज़ है, बुरी हो ही नहीं सकती। 7 प्लस इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपको डिवाइस मिलेगा कम से कम 18,000 से लेके 24,000 के बीच में, अगर आपको फुल एसेसरी, ओरिजिनल डिस्प्ले विद वर्किंग टच आईडी सेंसर, ये चीज़ मतलब पूरा A1 कंडीशन में डिवाइस, कोई बिना खराबी के, बिना ग्लास चेंज हुए, बिना डुप्लीकेट डिस्प्ले में अगर आपको ये डिवाइस मिलेगा तो आपको 18,000 से 24,000 के बीच में बड़े आराम से 7 प्लस देखने को मिल जाएगा, और वो भी 128 GB वाला। वैसे मेरा जो मॉडल है वो 32 GB है, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस ज़माने में आप 32 GB लें, क्योंकि आपकी 10 एप्लीकेशंस भरी और कोई फ़ोटो वगैरह नहीं, आपकी 32 GB भी फिल हो जाएगी। तो आपको 32 GB डिवाइस नहीं लेना है। जस्ट मेरे पास दूसरे भी डिवाइसेस हैं, ये मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है, दैट्स वाई मैंने 32 GB भी कंसिडर कर लिया है। मुझे बस वीडियो शूट करनी है, जैसे कि 7 Plus N21 और कोई टॉपिक्स हैं तो उसकी भी बना लेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका बजट सबसे टाइट है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करता कि 6S ना लें, 7 भी ना लें। 7 अगर आपका बजट, आपको छोटा डिवाइस चलाना है तो आप 7 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 7 प्लस मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डुअल कैमरा है। आजकल डुअल कैमरा बहुत ज़्यादा चलता है, कहने का मतलब आजकल अगर आपके पास डुअल कैमरा मतलब पोर्ट्रेट मोड नहीं है तो आपका फ़ोन पुराना है, सिंपल सी बात क्लियर कर लो। लेकिन सेकंड नंबर पे इसकी बैटरी बहुत बड़ी है, ज़्यादा टाइम चलेगी तो आपको चार्जर के साथ, वॉल चार्जर के साथ प्लग इन नहीं रहना पड़ेगा, या फिर पावर बैंक आप हाथ में नहीं रख पाएं, ऐसे ज़रूरत नहीं है आपको पावर बैंक रखने की। तो इसलिए मैं आपको 7 प्लस रिकमेंड करूँगा। 6S Plus सिर्फ बैटरी के मामले में बढ़िया है, बाकी आपको कैमरा थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मैंने आपको 7 प्लस रिकमेंड किया कि सबसे कम बजट में आपको ये जो डिवाइस है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। इसलिए मैंने आपको 7 प्लस इस वीडियो में, बेसिकली मेरी हाईलाइट ये है कि 7 प्लस बजट फ्रेंडली डिवाइस है जो कि 2021 में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। यही है वीडियो कि आपको ये जो है सारी चीज़ें इसी डिवाइस में कवर होकर मिल रही हैं जो कि सबसे कम बजट में है। अगर हम कंपेयर करें इसे iPhone X से, गाइस iPhone X हमें 30,000 से 35,000 के बीच में मिलेगा, वो भी 64 GB वेरिएंट। लेकिन ये वाला जो आईफोन है वो हमें 18,000 से 24,000 के बीच में मिल सकता है, वो भी 128 GB वेरिएंट। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स भी हैं, देख सकते हैं नो चार्जिंग, हेडफोन्स जैक नहीं है इसमें, चार माइक्रोफोन दे रखे हैं। क्या कमी है डिवाइस में? कोई कमी नहीं है, आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं अगर आपका बजट भी थोड़ा लिमिटेड है। 30,000 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर आप नॉर्मल एक फैमिली हैं, मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 30,000 एक थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है बजट, तो इसलिए 15,000 से 20,000 वाला जो बजट है वो बेस्ट है एक मोबाइल फ़ोन के लिए। और ये जो डिवाइसेज हैं ये आपको धोखा नहीं देने वाले, अगर आपने पूरा सही बाय किया है, गिराए ना किसी को और इसको, मतलब खराबी नहीं देते, ये बहुत परफेक्ट डिवाइसेज हैं। ये आपके 5 साल भी निकाल जाएंगे, अगर आप बढ़िया चला रहे हैं तो 10 साल भी निकाल जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो है काफ़ी पसंद आई होगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।